क्या आपने कभी सोचा है कि सुंदर सी दिखने वाली बटरफ्लाई आखिर पैदा कैसे होती है? चलिए आज आपके बचपन के डाउट को क्लियर करते हैं। देखो भाई, अंडे से सबसे पहले लार्वा निकलता है और लार्वा अंडे से बाहर आकर अपने पिछवाड़े के बल उल्टा लटक जाता है, वो भी किसी पेड़ की डाली या फिर किसी घर के अंदर। और टाइम बीतने के साथ साथ ये लार्वा अपने शरीर से प्यूपा बनाता है, जिसे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। टाइम बीतने के साथ साथ प्यूपा ट्रांसपेरेंट होने लगता है और इसके अंदर आप लोग तितली को देख सकते हैं। तकरीबन 10 दिन बीत जाने के बाद तितली रानी प्यूपा से बाहर आती है और इस तरह इन सभी सुंदर सुंदर दिखने वाली बटरफ्लाईज का जन्म होता है। अगर आपने भी बचपन में मेरी तरह तितलियों को पकड़ा है तो वीडियो लाइक कर